ठीक है तो अतिशी जी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो अब सीएम बन जाएंगी दिल्ली की और तीन से चार दिन में उनको ओथ मिल जाएगा ठीक है तीन, तीन से चार दिन में उनको मिल जाएगा ये तो अतिशी सिंह सॉरी मैंने माथुर कहा अतिशी सिंह अतिशी सिंह जी जो है उन्होंने क्या बोला है कि मैं ये जो सीएम का पोस्ट ले रही हूं मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही एम है कि वापस से केजरीवाल जी आ सके तो तब तक मैं सिर्फ इसीलिए सीएम बन रहे हो कि ये वापस आ सके तो ये तो चलो बोलने की बात होती है बाकी तो देखेंगे होता क्या है एंड आई होप कि जैसा बोला जा रहा है उसपे लोग कायम रहे तो अतिशी जी जो है अब वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगी और सीएम केजरीवाल वापिस से लड़ेंगे इलेक्शन और चेक करेंगे कि क्या आज भी जनता के अंदर उनको उतना ही प्यार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ठीक है अतिशी जी के बारे में बात की जाए तो एक ऑब्वियस चॉइस थी कि वही सीएम बनेंगे अगर केजरीवाल जी रिजाइन करते हैं अब अतिशी जी के अंदर ते, आ, वैसे तो अतिशी जी के अंदर तेरह डिपार्टमेंट्स थे जैसे कि पोर्टफोलियो फाइनेंस पीडब्ल्यू एजुकेशन ये सब जो जिसके पास इतने डिपार्टमेंट जिसके अंदर होते हैं तो ऑफकोर्स वो बहुत अच्छा चॉइस हो जाता है कि जो इतने डिपार्टमेंट्स को देख रहा है तो ऑफकोर्स सीएम की गद्दी को भी देख सकता है तो इसी वजह से अतिशी जी को अब नया सीएम बनाया जाएगा आपको पता है जम्मू कश्मीर में फेज वन के जो पोलिंग है वो आज होगी जो की अठारह सेप्टेम्बर को होने वाली थी तो वो आज ही होगी और ये पहला जो है फेज ऑफ जम्मू कश्मीर इलेक्शन होगा जो की खुद में बहुत हिस्टोरिक है उसके अलावा तो कोई ऐसी हेडलाइंस है नहीं जो आपके लिए मतलब एग्जाम के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो हम लोग मूव ऑन करते हैं आगे

यानी कि मैंने बनाया इस पर तो वो पेटेंट लेना पड़ता है ठीक तो इससे क्या हो गया मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई मेरी हो गई तो पेटेंट को चेक किया जाता है तो जैसे ये एक यूएस की कंपनी है जिस, जिसने एक HIV के ऊपर दवाई बनी है है जिसका नाम लेना है, है इस दवाई के ऊपर संकल्प फाउंडेशन ने कहा कि इसके पेटेंट के क्लेम में उनको कोई प्रॉब्लम दिखी तो अब इंडियन पेटेंट ऑफिस इस ऑब्जेक्शन को सुनेगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये दवाई ये दवाई जो लेना कापाविर है ना ये एक इंजेक्टेबल दवाई होगी मतलब इंजेक्शन के थ्रू

तो इस पे जल्दी अगर चीजें ठीक हो जाए तो सही रहेगी उसके अलावा मार्च 2023 में इंडिया के पेटेंट ऑफिस ने ऑलरेडी जॉनसन एंड जॉनसन एक कंपनी आपने सुना होगा जिसका जॉनसन बेबी पाउडर ये सब आता है उन्होंने टीबी की एक दवाई वो बनाते हैं जिसका नाम है बेडा क्वलीन तो आप कल को एग्जाम में बेडा क्विलीन आता है या फिर आपके एग्जाम में लेना का आता है तो आपको ये चीज पता रहेगी कि कि किस बीमारी से रिलेटेड है तो ये बेडाक्वलिन एक ऐसी दवाई थी ना जो ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन जिनको हो जाता है कल ही मैंने आपको एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बताई थी तो वैसे कुछ इन्फेक्शन ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ये बेड़ा दवाई थी लेकिन उस पे भी पेटेंट के ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया था इसको अब थोड़ी सी बात हम लोग एच की कर लेते हैं देखो एच है क्या तो ये एक वायरस है ह्यूमन इम्यूनो इम्यूरो वायरस अगर ये वायरस किसी के शरीर में घुस गया तो उसको वो एड्स बीमारी करा देता है एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो सिंड्रोम देखो ये वायरस है इसने एक बीमारी की जिसका नाम है एड्स इसके नाम से ना इसके फुल फॉर्म से आपको समझ आ जाएगा बीमारी करती क्या है अक्वायर्ड है इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम इम्यूनो डेफिशियंसी का क्या मतलब इम्यून सिस्टम डेफिशियंट हो गया उतना केपेबल नहीं रहा और अक्वायर्ड है क्योंकि इसको एक एक किसी वायरस के वजह से आया है एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है एड्स ऐसी बीमारी है ना कि ये इम्यून सिस्टम ही वीक कर देती है माने हमारे रोग से लड़ने की क्षमता जो सिस्टम की है इम्यून सिस्टम की उसी को इतना वीक कर देती है ना इतना वीक कर देती है कि जो बाकी बीमारियां होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस का मतलब सिर्फ खांसी बुजुकाम छोटी मोटी जो है ना जैसे जैसे अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज कैंसर ये सब भी छोटी मोटी चीजें भी अगर हो गई ना किसी को जिसको एच एड्स है तो वो लड़ ही नहीं पाएगा खांसी जुकाम तक से नहीं लड़ पाएगा छोटा सा घाव इतना बड़ा हो जाएगा कि वो उसकी जान चली जाएगी तो एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं स्केरियस्ट बीमारी जिसका स्केरिस्ट क्यों मैं बोल रही हूँ स्केरियस्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका कोई क्योर ही नहीं है कोई बीमारी खतरनाक कब कह हो जाती है जब उसका कोई इलाज ही ना हो तो एड्स का कोई इलाज नहीं है तो मतलब इसको कैसे अगर किसी को हो गया तो ठीक करते हैं ठीक नहीं करते हैं उनको एट्रो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं और जैसे अगर वो तीस साल में मरने का चांस है तो उसको बढ़ा के साठ साल कर दिया जाता है यानी कि इंक्रीज की जाती है ड्यूरेशन लेकिन कोई ओ, एकदम एब्सोल्यूट क्योर नहीं है एकदम एब्सोल्यूट इलाज नहीं है इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एच आई वी किस को टारगेट करता है तो एच आई वी एक इम्यून सेल को टारगेट करता है जिसका नाम है सी डी फोर ये सी डी फोर इम्यून सेल है जो आपको इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है तो अगर आपके इन्फेक्शन से लड़ने वाली सेल को ही मार दिया जाए तो छोटे मोटे इंफेक्शन से इंसान मर जाए तो वही एच आई वी है एच आई वी का ट्रांसमिशन कैसा होता है तो फ्लूइड से जब फ्लूइड ट्रांसफर होगा यानी अगर किसी का खून ट्रांसफर है सीमेंट सेक्शुअली ट्रांसफर हो रहा है तो उसको एच हो सकता है तो इम्पोर्टेंट क्या है जानना ये ट्रांसमिशन क्यों बताए क्योंकि लोगों के मन में ना भ्रांतियां होती हैं कि किसी को एड्स है तो उसके हाथ मिलाने से एड्स ना हो जाए नहीं ये कोई छुआछूत की बीमारी है नहीं ठीक है ये ट्रांसमिशन की बीमारी जब तक फ्लूड एक्सचेंज नहीं होगा एच आई वी एड्स किसी को नहीं हो सकता तो ये एक टब्बू है वो भी स्टिग्मा है वो भी खत्म होना चाहिए सोसाइटी से ठीक है चलिए दूसरी न्यूज दूसरी न्यूज यह है कि कॉप ट्वेंटी होने वाला है और इसका फोकस होगा क्लाइमेट फाइनेंस अग्रीमेंट तो देखिए कॉप होता क्या है तो कॉप के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ देखिए कॉप इज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ यू तो यूएनएफसी क्या होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज से जो भी रिलेटेड चीजें हैं ना उसके अंदर यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है यू उसके अंदर जो उसकी हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना जो बैठ क्लाइमेट चेंज को लेकर डिसीजन लेता है उसको कॉप बोलते कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ठीक है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी तो जो भी यूएनएफसीसी के जैसे अगर ये कोई यूएनएफसीसी कोई अग्रीमेंट है तो जो इसके पार्टी होंगे ना जो भी कंट्री इसको मानता है पार्टी का मतलब इसका, इसको मानता है तो वो कॉप का भी मेंबर हो जाएगा तो इंडिया यूएनएफसीसी का मेंबर है तो इंडिया कॉप में भी जाता है कॉप इसकी हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है हर साल ये बैठती है कॉप तो कॉप वन कॉप टू करके नंबरिंग है ठीक है तो अभी कॉप ट्वेंटी आएगा इसकी सेक्रेटरिएट पे है कॉप की तो वो बॉन में है ठीक है पहला कॉप कहा हुआ था तो बर्लिन में जो कि जर्मनी का कैपिटल है इस चीज के इसके बाद तो अभी तक हुआ नहीं है कॉप 28 जो आखिरी था ना वो यू दुबई यूएई में हुआ था और यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें आई थी जो आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट एक तो लॉस एंड डैमेजेस फंड का बोला गया था जो लॉस और नाम से आपको पता चल रहा है लॉस और डैमेज के लिए फंड फंड यानी कि पैसा जिसको वर्ल्ड बैंक होस्ट कर रहा है और दूसरा ग्लोबल स्टॉक टेक टैक्स अगर एग्जाम पे आपके जीएसटी आता है ना तो वो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं होगा अगर कॉप से रिलेटेड है वो होगा ग्लोबल स्टॉक टेक टेक्स्ट ये एक रिव्यू था 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था कॉप में ही ठीक है जो कॉप 21 में आया था ये पेरिस एग्रीमेंट में कुछ जो है टारगेट्स दिए गए थे पर जब तक टारगेट की रिव्यू नहीं होगी तो कोई टारगेट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा तो उसके लिए कोई टेक्स्ट तो चाहिए ना तो वही टेक्स्ट है ग्लोबल स्टॉक टेक टेस्ट जो की फाइनलाइज हुआ कॉप ट्वेंटी में अब ये टेक्स रिव्यू करेगा पेरिस एग्रीमेंट का उसके अलावा कुछ मेजर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कौन हुई है तो कॉप ट्वेंटी सिक्स हुई थी जिसमें न्यू जीरो टारगेट नेट जीरो टारगेट दिए गए थे कंट्रीज ने बोला था कि मैं इस साल एकदम जीरो नेट जीरो हो जाऊंगा नेट जीरो का क्या मतलब होता है नेट जीरो का मतलब होता है सीओ टू रिलीज कर रहे हैं उतना ही एब्जॉर्व कर लेंगे तो सीओ टू का नंबर बढ़ेगा ही नहीं जितना जा रहा है उतना आ रहा है तो उसको बोलते हैं नेट जीरो करना तो इंडिया ने भी टारगेट किया था कि दो में हम नेट जीरो बन जाएंगे वैसे अलग अलग कंट्रीज ने अपने नेट जीरो के टारगेट दिए थे लेकिन ये किस कंट्री में हुआ था ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे ठीक है उसके अलावा कॉप ट्वेंटी वन इम्पोर्टेंट है जहाँ पेरिस अग्रीमेंट हुआ था पेरिस में हुआ था कॉप नाइन्टीन इंपॉर्टेंट है जिसमें रेड प्लस आया था ठीक है वो वॉरसो में हुआ था कॉप ट्वेंटी सिक्स आप बताएंगे कि कहाँ हुआ था चलिए तो अब यहाँ पे देख लेते कॉप ट्वेंटी नाइन कहा अजरबैजी एट तो देख ही लिया आपने ये साल जो कॉप ट्वेंटी होगा तो अजरबैजान ने एक अनाउंसमेंट किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसने अनाउंसमेंट किया है कि वो लेके आएगा क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड ये फंड फंड जब भी हो तो मतलब पैसे है इसमें ये फंड क्या करेगा ना इसमें वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे मतलब आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं यानी कि पैसे दे सकते हैं कब एनुअली कैसे हर सालाना ये कौन सी कंट्री देगी तो वो कंट्रीज देंगे सी एफ एफ में पैसे जो कि प्रोड्यूस कर रही है फॉसिल फ्यूल इन कंपेरिजन टू वो कंट्रीज जो ज्यादा नहीं प्रोड्यूस कर रही है आपको पता होगा जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर यूएस है ये ज्यादा जो है फॉसिल फ्यूल रिलीज कर रही है हिस्टोरिकली भी क्योंकि इन्ही के समय शुरुआत हुई है किसकी तो जो रेवोल्यूशन है आपका वो सारा रेवोल्यूशन जो है जो आई टी रेवल्यूशन या जो भी हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो तो यूरोप से स्टार्ट हुआ है ना तो यूरोप से स्टार्ट होने की वजह से इन्होंने ज्यादा जो फॉसिल फ्यूल है उसका यूज किया है तो उनको देना चाहिए ना पैसे उन कंट्रीज को जिन्होंने उतना उतना यूज भी नहीं किया ज्यादा दुख में में जैसे इंडिया इंडिया हमारा इतना जल्दी कोई ऐसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो इंडिया में शुरू नहीं हुआ है तो इंडिया ऐसी कंट्री थी ना जिसमें इंडस्ट्री काफी लेट आई है अब लेट आने की वजह से क्लाइमेट चेंज में इतने बारिश कल ही हमने बात की थी कि किस तरह से सिक्किम में फ्लड आ रहा है आए दिन फ्लड की कहानियां ड्रॉट की कहानियां आ रही है क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज से और क्लाइमेट चेंज किस वजह से हो रहा है फॉसिल फ्यूल से पर इंडिया की तो इतनी गलती है नहीं ना इंडिया तो कोई इतना बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री था नहीं लेकिन भुगतना तो पड़ रहा है इंडिया को क्यों भुगतना पड़ रहा है जबकि उसने कोई गलती भी नहीं की है तो उन कंट्रीज को देने चाहिए ना पैसे जिन्होंने इतने ज्यादा फॉसिल फ्यूल बर्बाद किए हैं तो यही बात है कि फॉसिल फ्यूल जिस कंट्री ने ज्यादा दिया उस एक फंड बनाएगा वो वॉल्ट्री कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे उन कंट्रीज को देंगे जिनको जरूरत है मेन एजेंडा जो कॉप ट्वेंटी का है ना वो ये है कि एक अग्रीमेंट हो सके क्लाइमेट फाइनेंस पे क्लाइमेट फाइनेंस का टर्म से आपको नहीं समझ आ रहा है कि फाइनेंस यानी ऐसे कि हम लोग पैसे देकर क्लाइमेट चेंज को किसी ना किसी तरह रोक सके इसमें अमाउंट ऑफ मनी होगी जो डेवलप्ड कंट्री को रेस करना पड़ेगा 2025 के 2025 के बाद ताकि वो कंट्रीज जो फाइट करें जो डेवलपिंग नेशन जो मैंने आपसे बात की उनकी मदद हो सके तो ये ये ही इम्पोर्टेंट की एक अग्रीमेंट हो अभी तक तो कोई अग्रीमेंट नहीं हो तो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ करो ना कि इनको करना ही पड़े तो इसमें क्या करने की बात की गई है ना कि कम से कम हंड्रेड बिलियन डॉलर का ऑब्लीगेशन किया गया है कि हंड्रेड बिलियन डॉलर हर साल आ सके और उन कंट्रीज को हेल्प की जा सके जो 2025 के बाद जो है वो अपने कंट्री को बचाना चाहती है क्लाइमेट चेंज से ये जो नया फंड है ना सी सी एफ एफ फंड ये फंड जो है एक पैकेज का पार्ट होगा जो अजरबैजान लेकर के आई है और ये कॉप ट्वेंटी नाइन होगा अजरबैजान में अजरबैजान के कैपिटल क्या है तो बाकू है ठीक ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसके अलावा और भी कुछ प्रपोजल्स लेकर आएंगे 29 की, की एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी टाइम्स जो इंक्रीज करेगा एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी छाइम टाइम बाय 2030 उसके अलावा एक डिक्लेन है कि ये लोग ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल मार्केट बनाएंगे जो फुटप्रिंट है कार्बन की वो भी कम करेंगे थोड़ा सा डेटा सेंटर्स बढ़ेंगी और ये सारी चीजें जो है वो अजरबेजान अपने फाइनल आउटकम में लेके आएगा जब कॉप तो ट्वेंटी तो हमारी बुक है तर्कश यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं क्वेश्चंस बना सकते हैं करंट अफेयर यहाँ से देख सकते हैं सामान्य अध्ययन की किताब भी है हिंदी मीडियम के लिए आप कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि एमसीक्यू जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे याद नहीं होगा आपको चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं वेटिंग फॉर द फेड रेट कट द की क्वेश्चन इज हाउ मच देखिए फेडरल रिजर्व जैसे इंडिया में आरबीआई है ना वैसे ही यूएस में जो उनका सेंट्रल बैंक है ना उसका नाम है फेडरल रिजर्व बैंक ठीक है यूएस फेडरल रिजर्व बैंक तो उसको फेडरल रिजर्व बोलते हैं वहां पे रेट कट करने की बात की जाए जैसे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना आरबीआई की जो बैठती है वो डिस्कस करती है कि कितना रेपो रेट रखना है नहीं रखना इन सब पे हमने बात की थी रेपो रेट क्या देखता है तो इन्फ्लेशन वो मेंटेन करने में मदद करता है इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होती है अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं करेंगे चार परसेंट के अंदर रखने की बात की जाती है अगर हम नहीं करके रखेंगे तो देश में इतनी महंगाई होगी तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा

इंटरेस्ट रेट की बात की जा रही है ये कट होगा ठीक है तो 25 बेसिस पॉइंट से या 50 बेसिस पॉइंट से क्या डिफरेंस आएगा वो भी मैं बताऊंगी तो देखिए मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि 50 परसेंट से कम होगा पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि 25 परसेंट से कम होगा जो जेपी मॉर्गन कंपनी है ना वहां का एक यूएस का टॉप इकोनॉमिस्ट बोलता है कि पचास बेसिस पॉइंट से कम होगा लेकिन गोल्डमैन सैक्स भी एक बहुत फेमस कंपनी है उसके इकोनॉमिस्ट का कहना है कि शायद पच्चीस बेस पॉइंट से कम होगा ऐसा वो क्यों कह रहे कि पचास नहीं होगा मान लो अगर कोई अपने रेट को 50 कम करता है ना वो तब करता है ना जब उसकी कंट्री में कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा हो और बहुत लोगों को ले ऑफ किया जा रहा हो ले ऑफ का मतलब होता है कि, कि किसी को अपनी जॉब से निकाल देना तो ऐसी अगर सिचुएशन आ गई है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है ले ऑफ हो रहा है तब पचास बेस पॉइंट करने की जरूरत है लेकिन गोल्डमैन सॉक्स की इकोनॉमिक ने कहा ऐसा भी अभी खतरनाक कंडीशन नहीं आ रखा है यूएस में कि उनको पचास बेसिस पॉइंट पे कम करना चाहिए लेकिन हाँ पच्चीस तक वो कम कर सकते फिफ्टी बेसिस पॉइंट

कहने का मतलब यह है कि अगर फेडरल रेट को चेंज करते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करेगा और अगर कोई चीज इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करेगी तो बोरोइंग की कॉस्ट को इन्फ्लुएंस किया जाएगा और जो जितने भी हाउस होल्ड और बिजनेस है उन पे उनके फाइनेंशियल कंडीशन पे फर्क पड़ेगा देखो जब इंटरेस्ट रेट कम जाता है ना इसका मतलब बोरो करना चीप हो गया मैंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया पांच से चार कर दिया तो अब मैं ज्यादा बोरो करूंगी बोरो करूंगी पैसे तो ज्यादा पैसे बोरो करने से क्या होगा मैं ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज लूंगी अब मैं ज्यादा गुड्स सर्विसेज दूंगी तो बिजनेस को इंसेंटिव होगा कि हाँ ज्यादा लोग गुड्स एंड सर्विस ले रहे हैं तो मैं भी ज्यादा गुड्स बनाता हूँ ज्यादा गुड्स बनाऊंगा तो मेरे को ज्यादा फंड लेने का वो भी मैं ज्यादा बो, बोरो करेगा कौन बिजनेसेस बोरो करेंगी कि हाँ मुझे ज्यादा इक्विपमेंट बनानी है तो ज्यादा बोरो होगा लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे नए प्रोजेक्ट में ज्यादा पैसा होगा तो इसीलिए फेडरल रेट कट किया जाता है नीचे लाया जाता है ज्यादा रेट रहेगा तो लोग लेंगे बोरो नहीं करेंगे पैसे तो ये कंडीशन है फेडरल रेट का रिलेशन इस तरह से इन्फ्लेशन और इम्प्लॉयमेंट से है ठीक है जब डिमांड बढ़ जाएगी गुड्स और सर्विस की तो क्या अच्छा होगा वेजेस होगी लोगों को आप मैं, मेरा गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ गया तो जो कंपनी ये गुड्स और सर्विस बना के दे रही है उसके अंदर कुछ इंप्लॉयज होंगी वो इम्प्लॉयज अपनी तनख्वाह ले रहे होंगे जिसको वेजेस बोलते हैं तो उनका वेज भी बढ़ जाएगा क्योंकि ग्रोथ साइकिल में वेज बढ़ेगा अब जब वेज बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन और इम्प्लॉयमेंट पे कही न कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों अंतर आएगा ना इंप्लॉयमेंट भी बढ़ रही है मॉनेटरी पॉलिसी की ये सारी चीजें हैं अब उसके अलावा यूएस पे और तीन तरीके का इम्पैक्ट होगा अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं पहला ये कि जो डिफरेंस हो जाएगा यूएस की रेट में और दूसरी कंट्रीज की रेट में वो बहुत ज्यादा डिफरेंस बढ़ जाएगा वाइडन हो जाएगा तो कंट्रीज जैसे कि इंडिया ठीक है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे करेंसी ट्रेड के लिए रेट वाइडन हो जाएगा वाइडन का मतलब अगर वहां पे वो चार परसेंट गिरा रहे हैं और इंडिया में मान लो पांच परसेंट छह परसेंट है तो कहीं ना कहीं दो परसेंट का डिफरेंस आ गया पहले मान लो इंडिया का चा... पांच परसेंट रहा हो या इंडिया का छे परसेंट रहा हो इनका पांच परसेंट रहा हो तो एक ही परसेंट का डिफरेंस था अब दो का हो गया तो रेट वाइडन हो गई बढ़ बढ़ने की वजह से इंडिया ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा करेंसी ट्रेड के लिए और जो यूएस का रेट कम होगा ना तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ठीक है ताकि नया साइकिल में नया रेट बन सके नई नई अपॉर्चुनिटी आएंगी उसके अलावा दूसरा जो चेंज होगा कि अगर एक लोअर रेट रखता रखता है फेडरल रिजर्व तो ग्रोथ बढ़ेगी यूएस के अंदर। यूएस के के अंदर अंदर ग्लोबली तो दूसरी कंट्रीज ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगी जैसे इंडिया पर डोमेस्टिकली यूएस के अंदर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी ठीक है उसके अलावा अगर लोअर रिटर्न होगा यूएस के डेट मार्केट में तो उससे एक इमर्जिंग मार्केट इक्विटी का मतलब आपको पता ना इक्विटी शेयर ये सब मार्केट में होती है तो अगर रेट कट करेंगे ना तो इक्विटी मार्केट पे भी इन्वेस्टर्स हाँ, कम रेट पे बोरोइंगी में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं कही ना कहीं ये सारी चीजें यूएस को इस तरह से हेल्प करेगा राहत इंडिया में क्या इसका फर्क पड़ेगा तो आरबीआई या बाकी सेंट्रल बैंक जो है उनको इस फेड फेडरल रेट कट से ये अंतर मिलेगा कि आरबीआई ने तो आपको पता है रेपो रेट होता है मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के दस बार बोला हमारा रेपो रेट चार परसेंट रखने की बात की जा रही है तो अगर यूएस जो है वो रेपो अपना फे, फेडरल रेट कट करेगा तो इंडिया को ओवरऑल बेनिफिट ही है आरबीआई सिंस दी रेपो रेट हम, हमारे हमने भी अपना बेसिस पॉइंट पे रेपो, रेपो रेट बढ़ाया दो बेसिस पॉइंट सिक्स जब कोविड हो गया था ना तब हमने अपनी रेपो, रेपो रेट बढ़ाई थी ठीक है कोविड uh, जब नहीं रेपो रेट हमने कट किया था 40 बेसिस पॉइंट पे जब मई 2020 हुआ था जब कोविड 19 आ गया था क्योंकि उस टाइम हमारा इकोनॉमी बहुत स्लो चला गया था वैसे यूएस में भी अभी इकोनॉमी थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए फेडरल रेट कट करनी पड़ी हमने भी कोविड के टाइम पे गिराया था अपना रेट लेकिन अभी रेपो रेट हमने बढ़ाया है 250 बेसिस पॉइंट से ताकि हम इन्फ्लेशन को है टारगेट मतलब किसी तरह से टारगेट कर सके रही बात इंडिया की तो इंडिया में कौन डिसाइड करता है तो इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये सारे रेट्स को डिसाइड करती है और नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग कब है तो वो सात से नौ अक्टूबर को है तो जो यूएस का फेडरल रेट है उसका कहीं ना कहीं बाकी वर्ल्ड से भी कनेक्शन है स्पेशली इंडिया के रेपो रेट से तो इन्फ्लेशन का ना पूरा एक रिलेशन होता है वर्ल्ड में ओवरऑल नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज ये है आपकी कि एक नया ड्रग है जिसका नाम है मेटफॉर्मिन। ये ड्रग जो है डायबिटीज की है, लेकिन जब इसके उपर, के आपको तो पता है लोगों में ऑप्शे है अपनी उम्र कम करने की ये एज रिवर्सल माउंटेन फाउंटेन ऑफ यूथ ये वो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं अपनी उम्र घटाने के लिए ऐसी जैसे कि मेटफॉर्मिन जैसी कोई मेडिसिन आ जाए जो कि कहीं ना कहीं एज को कम कर रही हो तो वो एजिंग ड्रग की तरह काम करेगा मेटफॉर्मिन जो है वो

वही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए टाइप टू डायबिटीज को डील करने के लिए तो ये अब देखा जा रहा है कि जो है वो एंटी एजिंग में मदद कर रहा है तो लोग इसको रिसर्चर्स जो हैं इस मेटफॉर्मिन को चेक करेंगे कि क्या ये ह्यूमंस की भी बायोलॉजिकल एज को कम कर दे रहा है टिश्यू पे चेक होगा ऑर्गन्स पे चेक किया जाएगा ब्रेन की फ्रंटल लोब पे देखा जाएगा तो अगर ये जिस तरह से मंकी में कम कर रहा है ह्यूमन्स में भी करता है तो एक एंटी एजिंग ड्रग की तरह यूज किया जा सकता है पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये आई है न्यूज कि अभी लेबनन और सीरिया में अचानक से पेजर्स फट गए पेजर क्या होते है? तो हैंड हेल्ड पेजर लेकर लोग जा रहे थे ठीक है है पेजर पेजर जैसे मोबाइल होता होता ना वैसे एक पेजर होता था पहले जमाने में तो पेजर के अंदर लोग पेज करते थे एक दूसरे को कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है तो हंड्रेड पेजर जो हाथ में लोग लेके घूम रहे थे वो एक साथ फट गए पे कहाबन और सीरिया में और बहुत सारे लोग मर गए जिसमें हिजबुल्ला एक ग्रुप है मिलिटेंट एक टेररिस्ट का ग्रुप है हेजबुल्ला उसके बहुत सारे मिलिटेंट मरते हैं उसके अलावा एक लड़की की भी जान चली जाती है और इसराइल के एक डिप्लोमेट की भी जो है वो जान चली गई तो ईरान का एम्बेस में आए थे उनको भी चोट पहुंची है अब इम्पोर्टेंट क्या है कि लेबनन और सीरिया जो है ना इस ये सारी एक ऐसी कंट्री है ना जो मतलब हमेशा वॉर में होती है हजबुल्ला एक मिलिटेंट ग्रुप है इसको तो जानना आपके लिए जरूरी है नाम इम्पोर्टेंट है ठीक है ईरान इसको बैक करता है तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसको मैप में कहाँ है लेबनान सीरिया तो ये देखिए मिडिल ईस्टर्न रीजन दिख रहा है यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है ठीक है यहाँ है आपका सीरिया और यहाँ है लेबनान यही पे ब्लास्ट हुए हैं ठीक है हिजबुल्ला ग्रुप जो है वो उसको ईरान भी बैक करता है तो ये रहा आपका लेबनान ये रहा सीरिया यहाँ पे हो गया आपका इराक ठीक है यहाँ पे हो गया ईरान ये रही इसराइल जहां पे भी वॉर चल रही है पैलेस्टीन की यहाँ सऊदी अरेबिया ठीक है ये पूरा मिडिल ईस्ट वाला रीजन है इधर टर्की ये बहुत ही वॉलेटाइल रीजन है यहाँ पे हमेशा कोई मिलिटेंट एक्टिविटी कुछ ना कुछ होती रहती है तो ये सारी आपको चीजें याद रखनी है सीरिया का कैपिटल थोड़ा कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएं कि सीरिया का कैपिटल क्या है तो ये सारी कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज थी आज की क्वेश्चन ऑफ द डे जरा देख लें क्वेश्चन ये है कि इंडिया के जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो बैठ के ये रेपो रेट ये सारी चीजें डिसाइड करती है उसके कितने टोटल मेंबर्स हैं और रही बात कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की तो मैं उसका भी आंसर आपको बता देती हूँ कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का जो आंसर है वो है बैसिलस एंथ्रेसिस जो की एक बैक्टीरिया है वो कॉज करता है बीमारी जिसका नाम है एंथ्रैक्स ठीक है उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि विब्रोकोले माइको बैक्टेरियम और बैसिलस एंथ्रेसिस ये तीनों बैक्टीरिया हैं और प्लाज्मोडियम वाइविक्स एक प्रोटोजोआ है तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी आज की आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा रिविजन करते रहिए क्वेश्चन कॉमेंट सेक्शन में आंसर करते रहिए एंड कीप स्टडिंग थैंक यू